हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पिंकी स्क्रीन गार्डन चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरे ड्रैगन प्लांट में फ्लावर आ चुकी है। मुझे लग रहा था ये प्लांट में फ्लावर कभी नहीं आएगा। ये प्लांट को मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो जब इसको मंगाया था तो ये छोटा सा प्लांट था और उसका प्राइस था 120 या 113, कुछ याद नहीं है अभी। ये प्लांट लगाने का 3 साल हो गया है और ये जब मैंने लगाया था बहुत छोटा सा था और बहुत स्लो से ग्रो हो रहा था। तो जब ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो मैंने उसको छत के ऊपर रख दिया। तो हमारे यहाँ के टेम्परेचर समर सीजन में 45 ऊपर रहता है, तो समर सीजन में ये प्लांट में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दी और इसलिए तो ये ड्रैगन प्लांट में फ्लावर आना लेट हो गया। टेम्परेचर के कारण क्या हुआ ना, ये मेरी ड्रैगन प्लांट येलो हो गया। येलो होने के बाद ये सारे जो कट किया है ना, ये सब सड़ रहा था, ये सब निकाल दिया। तो वन साइड सड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों साइड सड़ जाएगा तो ये स्टिक ही रह जाएगा। तो ऊपर भाग हैवी होने के कारण ये बैलेंस नहीं रख पाएगा और टूट जाएगा प्लांट। आपके प्लांट येलो होके इसे सड़ने लगेगा तो तुरंत उसको काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो ये सारे प्लांट ख़राब कर देगा। और काटने के बाद आप जिस एरिया से कट किया है वहाँ पर आप फंजीसाइड पाउडर लगा देना। फंजीसाइड पाउडर लगा देने से जो स्प्रेड कर रहा है फंगस इन्फेक्शन प्लांट में वो रुक जाएगा। और प्लांट को मेरे समर सीज़न में ही प्रॉब्लम हो रहा था, अन्य सीज़न में नहीं। और ये प्लांट को मैंने देखो यहाँ से कट कर दिया, फिर उसको दोबारा मिट्टी में लगाया, उसके बाद ही देखो फ्लावर अभी आया है प्लांट में। ये प्लांट को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट से ये नहीं ग्रो कर पाएगा और टूट जाएगा। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं छत के ऊपर इसको रखा था ना, तो अच्छे से बैलेंस हो रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। नीचे ले आया धूप के लिए तो यहाँ पर ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी ये प्लास्टिक का पाइप यहाँ पर रख दिया है सपोर्ट देने के लिए। और प्लांट्स को अच्छे से सपोर्ट देने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट्स ख़राब हो जाएगी मेरी। और मैं नहीं केयर कर रही थी प्लांट्स को क्योंकि उसमें फ्लावर नहीं आ रहा था ना, इसलिए अब फ्लावर आ चुकी है तो केयर करना पड़ेगा। और ये प्लांट जब लगा रही है तो आप वेल ड्रेनेज सॉइल में लगाए और पॉट का ड्रेनेज होल रहना चाहिए, पानी अच्छे से ड्रेनेज होने के लिए, नहीं तो रूट सड़ जाएगा उसका। और मंथ में 2 बार उसमें आप फर्टिलाइजर दे सकते हो। मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, काउडोंग का लिक्विड फर्टिलाइजर। ऐसे फ्रूट प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देना चाहिए। ये प्लांट में फल आएगा या नहीं पता नहीं, फूल तो आ गया, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें जब फल आएगा तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। प्लांट्स में फूल आ गया तो फल ज़रूर आएगा, ये साल नहीं तो अगले साल आ जाएगा। आप ये प्लांट को ज़मीन पर लगाएंगे तो
एक सीमेंट का स्टैंड बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बैलेंस नहीं रख पाएगा। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा कैसे स्टैंड बनाते हैं ड्रैगन प्लांट के लिए। ये प्लांट के हम ब्रांच को काट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप एक ही प्लांट लेकर आएंगे नर्सरी से तो बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे आपके गार्डन में। और यही प्लांट को दोबारा खरीदने को नहीं पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स, मैं पहले उड़िया में वीडियो बना रही थी, अब हिंदी में बना रही हूँ। जहाँ भी कोई मेरी भूल है तो माफ़ कर देना, और वीडियो मेरे पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा।